नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नरसुड़ा हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट फाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर बात किया था उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आज हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की मुख्य इकाई के बारे में, और मुख्य इकाई मानव उत्सर्जन तंत्र की होती है मानव वृक्काणु, या इनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। आज हम इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही सरल है। तो मानव में वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो इसकी बात करेंगे हम। दोस्तों, ये जो सारी संरचना है, ये संरचना मानव वृक्काणु की है। इसके अंदर शुरुआत है, हम करते हैं इस भाग से। ये जो भाग है, ये मानव वृक्काणु का प्रारंभिक भाग होता है, और ये छलनी नलिकाएं होती हैं जो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। ये मानव के वृक्क के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे भाग होते हैं। दोस्तों, ये जो भाग दिख रहा है, ये भाग है बोमन संपुट। कौन सा भाग है? ये जो प्यालेनुमा संरचना दिख रही है, इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमन संपुट। यहाँ से, इस भाग से ही क्या होता है, इस भाग से ही शुरुआत होती है किसकी? वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना की। दोस्तों, इस संरचना के अंदर ये जो जालिका दिख रही है, ये संरचना जो नजर आ रही है, ये होती है हमारी जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनका जाल होता है, और इस जाल को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट हैं, वो ही क्या करते हैं, यहाँ रक्त को और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको रक्त से छानकर इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद में ये किसको दे देते हैं? ये दोस्तों देते हैं समीपस्थ नलिका को। ये नेफ्रॉन का फर्स्ट भाग होता है, पहला भाग होता है समीपस्थ नलिका, जो बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस के जस्ट नजदीक होती है। इसके बाद में ये जो संरचना है, इससे जो निकलने वाला जो उत्सर्जी पदार्थ है, वो इस भाग से होते हुए आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? दूसरी संरचना की तरफ। दूसरी संरचना होती है, वो होती है हेनले पास। क्या होती है? हेनले पास। हेनले पास या हेनले लूप बोलते हैं इसको। ये अवरोही भुजा है, ये आरोही भुजा है। दोस्तों, ये जो भाग है, इससे होता हुआ उत्सर्जी पदार्थ या जो गंदे पदार्थ हैं, वो इस भाग से होते हुए तीसरे पार्ट में पहुंचते हैं। इस संरचना का तीसरा पार्ट होता है दूरस्थ नलिका। दूरस्थ नलिका से होता हुआ ये जो वृक्काणु है, यह संरचना है, इसकी पूरी हो जाती है। ये संग्रह नलिका होती है जो मूत्राशय की तरफ बढ़ा देती है गंदे पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थों को, लेकिन संग्रह नलिका है वो वृक्काणु का भाग नहीं होती है। दोस्तों, ये जो संरचना है, ये मूत्राशय में गंदे पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थों को इकट्ठा कर देती है। यही संरचना के अंदर हम वास्तव में यही देखते हैं कि प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है, प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर लगभग 10 लाख के करीब छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक जो वृक्काणु या नेफ्रॉन होता है, ये इसकी मोस्ट बात है, प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर लगभग 10 लाख के करीब क्या होती है, सूक्ष्म और छोटी नलिकाएं होती है। हम बात करते हैं प्रारंभिक भाग। प्रारंभिक भाग वापिस वही बात है, प्यालेनुमा संरचना होती है जिसको हम कहते हैं बोमन संपुट। क्या कहते हैं? बोमन संपुट। मेल पिंगी कोष क्या होता है, ये इसका मोस्ट टॉपिक है। मेल पिंगी कोष होता है वो ग्लोमेरुलस में होती है रक्त नलिकाओं का समूह। ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं? तो रक्त नलिकाओं का समूह होता है, और इसके साथ जुड़ता है बोमन संपुट। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो बनता है मेल पिंगी कोष। क्या बनता है? मेल पिंगी कोष। तो दोस्तों, ये है मानव वृक्काणु की संरचना, जो क्या करती है, ये है हमारे शरीर के अंदर जो वृक्क होते हैं, वृक्क के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी नलिकाएं, या जिस प्रकार से छलनी होती है, छलनी का कार्य क्या होता है, गंदे पदार्थों को छानना या उपयोगी पदार्थों को अलग कर लेना, उसी प्रकार से क्या होता है, यह मानव वृक्काणु है वो क्या करता है, उपयोगी पदार्थों को शरीर के अंदर रोक लेता है, और जो गंदे पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का महत्वपूर्ण कार्य है वो कर देती है। कौन? वृक्काणु या नेफ्रॉन। तो दोस्तों, ये था आज का बहुत ही बढ़िया टॉपिक, शानदार टॉपिक। या आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक सारे वीडियो हैं वो पहुंचाने के लिए। आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं दोस्तों, और आगे बढ़ाएं हमारे चैनल को। मैं यही आशा करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय मां सरस्वती।